सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी लगभग 13,000 से 14,000 रुपए के अंदर कोई परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 13,000 रुपीस। और दोस्तों, यहां पर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए अच्छे कैमरास मिलने वाले हैं, तगड़ी स्पेसिफिकेशन होगी, बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले भी आपको मिलेगी, और तो भाई बाकी स्पेसिफिकेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूज़र्स की जिन्हें भाई अच्छे कैमरास वगैरह चाहिए और थोड़े से लेटेस्ट एडवांस फीचर्स चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका Z6 44W। गाइज, ये जो फ़ोन है ये आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बेल्ट पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड की पैनल, पेंडा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, और साथ ही 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी है। कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमराज, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, लेकिन डे लाइट में फोटोज बहुत कमाल की निकल कर आती हैं। वैसे लो लाइट में भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। बैक कैमरा में आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट। वैसे दोस्तों, ये बजट के अंदर आने वाला एक डिसेंट सा चिपसेट है जो कि आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2,70,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला एक डिसेंट स्कोर है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन 44W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। वैसे दोस्तों, ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मिल जाएगा। सो देखा जाएगा इस तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक अच्छा खासा ऑलराउंडर फोन है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,499 रुपए। पर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्टॉक UI के साथ में अच्छा खासा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटो का G52। वो प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं। वैसे ये फोन भी आपको हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में मिल जाता है। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली प्लास्टिक OLED पैनल, 500 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, और 360 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से बहुत ही कमाल की है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास, मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, लेकिन फोन आपको यहाँ पर डिसेंट आउटपुट निकाल कर देता है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वहीं पर दोस्तों, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला काफी अच्छा चिपसेट है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी लगभग आपको यहाँ पर 2,20,000 के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UMCP वाला स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 30W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जिसकी भाई ऑडियो क्वालिटी बहुत कमाल की है, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्टॉक UI के साथ में एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए अभी आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बात करें अगले फोन की तो दोस्तों, अगला स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन है, और ये फोन यहाँ पर पोको का M4 Pro 4G को प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन दोस्तों डिजाइन काफी यूनिक है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है, 550 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी है। कैमरा की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर 50 और 8 मेगापिक्सल के 2 कैमरास मिलेंगे, साथ ही में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिलता है।
इस फोन के कैमरास काफी अच्छे हैं, आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का चिपसेट। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग 3.5 लाख के आसपास अंतिम स्कोर कर जाता है। साथ ही में LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है। सो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर बहुत अच्छी देता है, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट लगी हुई है, तो बैटरी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। साथ ही में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और हाइब्रिड स्लॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे ये फोन थोड़ा सा आउटडेटेड है, यानी कि एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर लेटेस्ट OS का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये भी फोन आपको अप टू 7 5G बैंड के साथ में मिल जाएगा। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अभी ये फोन आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए की प्राइस पर। और दोस्तों, लिस्ट का जो हमने अगला फोन रखा हुआ है, ये एक लेटेस्ट फोन है और अच्छी बात है कि रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी का 10 4G। और बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको मिलते हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल लगी हुई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1000 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 MP का, 2 MP का डेप्थ और 16 MP का सेल्फी स्नैपर। डे लाइट में दोस्तों यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह के काफी डिफरेंट मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो अब बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस मीडियाटेक का डायमेंसिटी G99 का चिपसेट। और दोस्तों, ये इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट 4G चिपसेट है, जो कि आपको लगभग 4 लाख के आसपास अंतिम स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी फोन के अंदर लगा हुआ है, तो भाई ये फोन आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, फोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो बैटरी मॉडल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और ये फोन एंड्रॉइड 12 पर आता है, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो अगर आप रियलमी की तरफ से कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन परचेस करना चाहें इस बजट के अंदर, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, सो दोस्तों 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 13,999 रुपये। फाइनली इसको एंड करते हैं यहाँ पर पोको का M4 Pro 4G। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा है और काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED वाली पैनल मिलेगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन लगा हुआ है, 1000 निट्स की हायर ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन की बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरा मिलेंगे। मेन कैमरा 64 MP का है, हालांकि आपको यहाँ पर ओमनीविजन का सेंसर दिया गया है, बट इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 16 MP का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। डे लाइट में फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको यहाँ पर फीचर्स वगैरह भी काफी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G96 चिपसेट। और दोस्तों, ये चिपसेट भी 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है और लगभग आपको यहाँ पर G95 जैसी परफॉर्मेंस देता है। तो डेली टास्क के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, सो देखा जाए तो बैटरी मॉडल भी फोन का बहुत अच्छा है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन। और दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन आपको यहाँ पर MIUI 13 मिलता है, सो देखा जाए तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, ऑलराउंडर है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको अभी देने होंगे 10,999 रुपये। वैसे दोस्तों, हमने सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।